हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 80, हिंदी की वर्कशीट है, क्लास सेकंड की, डेट है आपकी 27 सितंबर। पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है ये वर्कशीट आपका, और पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका है, मीन्स रिवीजन वर्कशीट है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लास्ट वीक के जितने विनर्स थे हमारे, वो उनको गिफ्ट जा चुका है। साथ ही अगर आप भी हमारे वीकली विनर्स बनना चाहते हैं, लकी विनर्स बनना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपनी क्लास के सारी वीडियोस देखनी है, कमेंट करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको जो है हमारा एक डेली क्विज होता है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। तो इससे आप जो है इतना सा काम करके आप हमारे चैनल के विनर बन सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पहले बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हमने अपनी कार्यपत्रिका को करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी, आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं। बच्चों, हम सभी ने पार्ट दोस्त की मदद पढ़ा था। नीचे कुछ प्रश्न विकल्पों के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर सामने सही का निशान लगाइए। लोमड़ी ने तेंदुए को क्या सलाह दी? तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, लोमड़ी ने तेंदुए को क्या सलाह दी? क्या सलाह दी थी बच्चों? कछुए को पानी में फेंकने की। लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी रहती थी बांध में। तेंदुए ने कछुए को खाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? दांतों का और नाखूनों का। चलिए अब आगे चलते हैं। नीचे कुछ नाम वाले शब्द दिए गए हैं, उनमें से व्यक्ति के नाम पर नीला, तो चलिए पहले व्यक्ति का नाम ढूंढते हैं। और नीला नीला नहीं है, तो नीले की जगह मैंने पर्पल लिया है, ठीक है। व्यक्ति का नाम लाइक आपका राम हो गया, ठीक है, नीलम हो गया और दिव्या हो गया, ये हो गए आपके व्यक्ति के नाम, ठीक है। नीले रंग से और लाल रंग से आपको जगह का नाम, तो लाल रंग लेते हैं अब, और जगह का नाम, तो जगह का नाम हो गया आपका चांदनी चौक, आगरा हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। अब हरे रंग से वस्तुओं का नाम, तो हरे रंग लेते हैं वस्तुओं का नाम, ठीक है। इस तरीके से डब्बा बनाना है आपको, क्या बनाना है बच्चों? डब्बा बनाना है, ठीक है, इस तरीके से डब्बा बनाना है। तो लाल वाले पे भी मैं एक बार डब्बा बना देती हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, और फिर पर्पल भी ले लेते हैं एक बार, तो इस तरीके से आपको ये फिल करना है। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और वाक्य पढ़कर सही चित्र पर गोला लगाइए। तो वाक्य लिखा है बच्चों, धीरे धीरे कौन चलता है, छलांग लगाकर कौन चलता है? तो धीरे धीरे चलता है बच्चों कछुआ, ये तो आपको पता ही है, और छलांग लगाकर चलती है लोमड़ी, क्योंकि सांप तो बच्चों रेंगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाक्यों के लिए सुझाव दिया गया है। बच्चों से विभिन्न जानवरों की चालों के बारे में अभिनय करने को कह सकते हैं। अभिनय का मतलब होता है बच्चों नाटक, ठीक है, जैसे मेंढक की चाल, कछुए की चाल, हाथी की चाल इत्यादि। चलिए बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।